तो आज आपने मुख्यमंत्री जी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो अपना आगामी चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है, उस नामांकन पत्र में उन्होंने उनके विरुद्ध चल रहे दो ऐसे केसेस जो संज्ञेय अपराधों के तहत चल रहे हैं, एक जमीन घोटाला और दूसरा लूट, जबरन किसी के घर में प्रवेश और महिला की इज्जत के साथ में खिलवाड़, इन सब जैसे सेक्शंस के तहत दर्ज हुआ है। उन दोनों में उनकी भूमिका को लेकर के जो केसेस हैं उनको छुपाया है। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 125A के तहत इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। हमने दोनों केसेस की डिटेल के सहित जो एप्लीकेशन कल जो शिकायत दर्ज करवाई गई थी जोधपुर में कलेक्टर के पास 4:30 बजे ईमेल से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजी गई थी, अभी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ द स्टेट को हमने दिया है कि इसके खिलाफ, क्योंकि ये कानूनन अपराध है इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई करें, समुचित कार्रवाई को सुनिश्चित करें। जानबूझकर सर छुपाई गई है? निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति के खिलाफ में जो केस है और जिस केस में उन्होंने वकील हायर किए हैं और सरकार की तरफ से भी वकील हायर किए गए हैं, दोनों ही परिस्थितियों में प्रदेश का गृह मंत्री का दायित्व होने के नाते उनकी जानकारी के बिना नहीं हो सकता। ऐसे में ये मानने का और विश्वास करने का समुचित कारण है कि उन्होंने जानबूझ करके जानते हुए भी इन केसेस को छुपाने का काम किया है।